नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएससी ट्रिकी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एसएससी जेई प्री 2024 एग्जाम को लेकर। तो कैसा रहा आप लोगों का एग्जाम? फाइनली आपका एग्जाम हो चुका है, अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आंसर की आप लोगों की कब तक आने की उम्मीद है। और कल मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको बताई थी कि आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, और अब आपको पेपर टू के लिए तैयारी जो है शुरू कर देनी चाहिए। तो क्या अपडेट है दोस्तों यहाँ पर? सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल कितने लोगों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया, कितने लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ा है। ये सब चीज़ें भी बहुत जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है यहाँ पर, ये सब चीज़ों का यहाँ पर रहता है। तो 47,000 कुल मिलाकर 47,512 लोगों ने यहाँ पर इस जेई एग्ज़ाम की परीक्षा को छोड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से जूनियर इंजीनियर भर्ती 2024 की जो आपकी कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, ये आपकी शुक्रवार को संपन्न हो चुकी है। और अगर हम बात करें एसएससी सेंट्रल रीजन की मध्य क्षेत्र के दिन यूपी और बिहार से 16 शहरों में 56 केंद्रों पर आपके 5 से लेकर 7 जून तक आपका एग्जाम कराया गया, जिसमें कुल मिलाकर 1,27,747 अभ्यर्थियों में से करीब 80,235 अभ्यर्थी ने जो है परीक्षा में शामिल हुए। यानी कि आपकी जो उपस्थिति है कि 62.81% रही है। यानी कि 47,512 लोगों ने एग्जाम नहीं दिया। अगर मैं खाली बिहार की बात करूं, बिहार में जो रजिस्टर्ड थे अभ्यर्थी 37,211 अभ्यर्थियों में से 25,053 लोगों ने, यानी कि करीब 67.33%। जबकि यूपी की अगर हम बात करेंगे, यूपी में 90,536 लोगों में से करीब 55,182 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, यानी कि यूपी से अटेंडेंस रही है 60.95%। ठीक है ना? तो आप देख सकते हो अब आंसर की ऐसे में दोस्तों आपको कब तक देखने को मिलेगी। अब जैसा कि आपको पता है 5 से लेकर 7 जून तक आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो आंसर की आने में भी आप मान के चलिए 1 वीक, कम से कम एक हफ्ता तो अभी लग सकता है यहाँ पर। बाकी इसका कोई भी नोटिस यहाँ पर जारी होगा आपको बता दिया जाएगा। और आप सब लोग जो है समय समय पर एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहेगा, बाकी कोई भी अपडेट आएगी हम आपको तुरंत जो है अवगत कराएंगे। इसके लिए आप सभी लोग अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। बाकी कल मैंने आपको कट ऑफ वीडियो भी आपको बताई थी, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है अगर आप देखना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी जान सकते हो। ये भी जान सकते हो कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, और अगर आप इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में रहोगे। बाकी आंसर की जब आ जाएगी तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और उसके बाद आप सब लोग अपने पेपर टू की तैयारी में जो है लग जाएगा। तो फिलहाल वीडियो पसंद आई हो अपने सभी मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।